हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएम ब्रोस कारोबार। सो तो कैसे आप सब लोग, होप यू आर द बेस्ट। सो पिछली वीडियो में मैंने हैंडल बार फिट कराई थी और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था, और इस पर मैं ये लीवर गार्ड्स लगाने वाला हूँ। ये है कार्बन फाइबर फिनिश की, नॉट अ कार्बन फाइबर रियल वन, बट जस्ट अ कार्बन फाइबर कोटेड, बट इट्स बिल्ड विद मेटल। सो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ निकलती है इसमें। ये है इसकी एक्चुअल बॉक्स, इस पर कुछ भी लिखा वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये मैंने ऑर्डर की थी और टीम रेडी इंस्टाग्राम एक पेज है उसमें ऑर्डर की थी, और ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसका पैकिंग है, बहुत अच्छा है पैकिंग। और इसका प्राइसिंग में अभी बात करूँ, ये है 499 की, और इसमें और एक वेरिएंट भी आता है 249, वो उतना खास नहीं दिख रहा है, वो उतना अच्छा नहीं दिखता है। और ये एक कार्बन फाइबर फिनिश के साथ में, और इसका बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये है इसका थिकनेस, ये थिकनेस आप देख सकते हो। और ये इसका ये पार्ट, ये आगे आने वाली है, ऐसे लगी जो ऐसा ये आगे आने वाले है। और इसमें ये दो एलन की नट देखने को मिलेगा, और ये दो एक्सटेंड करने के लिए इसके एक्सटेंडर, और ये इसकी लॉक सिस्टम, और बस इतनी सी, और कुछ भी नहीं है इस बॉक्स में। तो फटाफट से अभी इंस्टॉल करेंगे बाइक में। ये बाइक की मिरर मैं अभी खोल रखा हूँ क्योंकि वो दिखने के लिए अच्छे नहीं दिख रहा है इसलिए। और इसको फिट करने के लिए हमको चाहिए 4 नंबर की एलन की, ये इसमें हम फिट करेंगे अभी। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक होल है, और इसमें भी एक होल दिख सकते हो, और ये इसमें डालना है ये 4 नंबर की एलन की है। बिल्कुल इसी प्रकार से लगाना चाहिए, और ये इस तरफ, और दिखने के लिए ऐसा दिखना चाहिए। ये एलन की बोल्ट, ये इसका अंदर लगाना है, और ये एक्सटेंडर इसकी, इसमें और एक ये पार्ट आ जाता है, ये है इसकी फाइनल लुक, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके एक्सटेंडर मैंने हटाए है क्योंकि ये बहुत बाहर आ जाता है, अगर इनकेस सिटी में कुछ ट्रैफिक वगैरह है तो लग जाएगी, इसलिए मैं ये पार्ट हटाई है। आगे से आप देखोगे ये बाहर आया हुआ है,
और यह है इसकी खासियत। इसमें भी कलर ऑप्शंस है, और ब्लैक विथ ब्लू है और ब्लैक विथ रेड भी है, वो भी आप ले सकते हैं। ये है फुल ब्लैक कार्बन फाइबर की, और इसकी कॉस्टिंग मेरे को 499 पड़ी। ये देखो इसकी आगे का लुक एकदम बीस्ट जैसा दिख रहा है। और पीछे की व्यू मैं दिखा देता हूँ अभी। अब मैं आया हूँ पीछे की तरफ। ये इसके बैक पोस्चर बैक से भी बहुत अच्छी दिखता है देखने के लिए। टायर अगर मैंने नहीं निकाले थे क्योंकि कल ही वॉशिंग की थी मैंने, इसलिए। इसी तरह से कीप सपोर्टिंग मी गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट बिलो डाउन। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।